मी 11X, पोको F3 और रेडमी के 40 के लिए सुपीरियर OS का ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 का एक न्यू बिल्ड आया हुआ है, और इसका भी इसमें भी जो है कुछ यानी कि बैक टू बैक जो अपडेट्स अभी हमें देखने को मिलते हैं उनमें ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका भी जो है काफ़ी टाइम के बाद ही रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ पर भी जो है 2 मंथ के बाद ही कर रहा हूँ, उसमें फुल रिव्यू किया हुआ था तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। फिलहाल इसके अंदर यहाँ पे हमें कितने चेंजेस मिले हैं 2 मंथ के बाद में, उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये कार्ड स्टाइल में जो सेटिंग्स मिल रही है उस टाइम पे मिला नहीं करता था, तो ये कार्ड स्टाइल में पूरी सेटिंग्स देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेटिंग का पोजीशन भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और अबाउट फ़ोन भी यहाँ पे इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसके एंड्रॉयड वर्जन में जाते हैं तो यहाँ पे जो है सुपीरियर OS का मिल जाता है 13 वर्जन, GFS इंक्लूडेड वाला इंस्टॉल किया हूँ, एंड्रॉयड वर्जन 13 है। सिक्योरिटी पैच फरवरी 2023 की मिल जाती है, और कर्नल देखें तो नेक्सस का कर्नल मिलता है वर्जन 15, उसमें ओल्ड वाला मिलता था नेक्सस का ही, और ये 2.0 के साथ में आता है। बाकी सेलिनक्स स्टेटस हमें जो है यहाँ पे इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाता है, पहले भी इन्फोर्सिंग ही मिला करता था। और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में जाता है तो पहले प्रेफर नेटवर्क काफ़ी सारे मिलते थे, अब आपको 3G 4G और 5G के प्रेफर नेटवर्क देखने को सिर्फ मिलते हैं। बाकी वाईफाई कॉलिंग काम करता है, इनेबल कर लेना। हॉटस्पॉट भी बिल्कुल वर्किंग है, हॉटस्पॉट में भी कोई दिक्कत नहीं। प्रेफर नेटवर्क यहाँ पे जो प्राइवेट DNS है ये अब काफ़ी मिलते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कास्ट अब वर्किंग मिलता है, उस टाइम पे वर्किंग नहीं हुआ करता था लेकिन अभी काम कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। और सुपीरियर लैब के अंदर भी यहाँ पे स्टेटस बार में जाओगे तो नेटवर्क ट्रैफिक सेम है, बट स्टेटस बार के अंदर में अब आपको यहाँ पे जो है वोल्टी आइकन मिलेगा, पहले वोल्टी आइकन बाहर मिलता था स्टाइल चेंज करने के लिए भी, जो कि अभी हटा दिया गया उन सभी को। साथ साथ बैटरी स्टाइल यहाँ पे नीचे मिल जाते, अब इसमें भी बैटरी स्टाइल काफ़ी मिल जाते, पहले सिर्फ 3 ही थे, अब यहाँ पे सर्कल डॉट फील्ड वाला हो गया, बिग डॉट सर्कल, ये अब न्यू ऐड किए गए इसके अंदर में, और ये नीचे आ गया सेटिंग, पहले ऊपर हुआ करता था, तो एक चेंज हुआ है यहीं पे। अब यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग्स पहले नहीं होती थी, ये देखने को मिल जाएगा। क्विक सेटिंग्स में हाइड QS ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन मिल जाता है, और यहीं पे कुछ QS फूटर के ऑप्शन थे जो रिमूव कर दिए गए हैं। बाकी के टाइल लेआउट के जितने ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल रहे हैं ये न्यू ऐड हुआ है। और अब चलते हैं बटन की तरफ, तो बटन में हालांकि कोई चेंज हुआ नहीं है, बटन सेम है। नेविगेशन बार के अंदर सिस्टम नेविगेशन में यहाँ जेस्चर की सेटिंग में IME बटन का ऑप्शन था, हाइड IME बटन, जिससे कीबोर्ड के नीचे के स्पेस को हाइड कर पाते थे, उस ऑप्शन को रिमूव किया गया, बाकी कहीं पर भी कोई चेंज हुआ नहीं है। और जेस्चर के अंदर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हमारा पहले की तरह ही काम कर रहा है, डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सिस्टम नेविगेशन में प्रेस एंड होल्ड पावर बटन के अंदर पावर मेन्यू डिजिटल असिस्टेंट अलग अलग है इस तरीके से मिलता है, पहले सिर्फ डिजिटल असिस्टेंट हुआ करता था। लॉकिंग के अंदर भी पल्स के नीचे एज लाइटिंग था जो अभी डिस्प्ले के लॉकिंग में मूव हो गया है, अम्बिन बैग जेस्चर यहीं पर था उसको रिमूव कर दिया गया, बाकी मीडिया कवर आर्ट न्यू ऐड हुआ इसके अंदर में, तो ये चेंजेस आपको लॉक स्क्रीन में मिलते हैं। पावर मेन्यू के अंदर में डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन न्यू मिल जाएगा। और थीम्स के अंदर में हेडलाइन बॉडी फॉन्ट सेम रहेगा, आइकन पैक भी सेम ही है, बट सिग्नल आइकन के अंदर डोरा वाला आइकन यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। वाईफाई स्टाइल में भी डोरा वाला ही न्यू ऐड हुआ है, आइकन सेम में भी एक दो न्यू ऐड हुए हैं, और नेविगेशन बार स्टाइल में भी ये डोरा वाला ही न्यू देखने को मिल जाता है, तो ये चेंजेस हुए यहाँ पे। नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मिसलेनियस के अंदर में यहाँ पे हायर FPS इन गेम का ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है, एंड अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का ऑप्शन न्यू देखने को, लास्ट के दो यानी कि ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन में अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर जैसे कि बताया एज लाइटिंग अब यहाँ पे मूव हो चुका है, बाकी ऑलवेज सो टाइम इन्फो ये जो है हमारा काम करता है, और यहाँ पे पहले QR स्कैनर का एक शॉर्टकट था वो भी रिमूव हो गया है, बाकी एज लाइटिंग ये आपका यहाँ पे मूव हो चुका है। डार्क थीम का भी जो है इंटरफेस चेंज हो गया है, तो इसका भी प्रीव्यू चेंज हुआ है, कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे अब चेंज हो चुका है पहले से, तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर नीचे आओगे तो रोटेशन अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, रोटेशन मोड भी पहले नहीं मिला करता था, सिंपल रोटेशन का था ऑन ऑफ करने का, अब मोड्स मिल जाते हैं। और नीचे में ब्लर का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पे। फुल स्क्रीन मोड ऐप जो है पहले था, अम्बिन डिस्प्ले यहाँ पे न्यू मिलेगा, और इसके अंदर हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन भी न्यू मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर में। वॉलपेपर स्टाइल की सेटिंग सेम रहेगी, बट वॉलपेपर यहाँ पे जो यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बट यहाँ पे ये वाला जो वॉलपेपर है इसके साथ डिफॉल्ट आने वाला है। और ऐप्स के अंदर में भी यहाँ पे हमारा असिस्टेंट वर्किंग है, गेम स्पेस मिल जाता है सेम सेटिंग्स के साथ। लॉन्चर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, हालांकि आइकन सेटिंग सेम है। होम स्क्रीन वाले में यहाँ पे ऐड ग्लेंस का ऑप्शन न्यू मिल जाता है, पहले उस टाइम पे नहीं मिलता था, ये ऐड ग्लेंस था ही नहीं यहाँ पे। और
एब्रॉयर के अंदर भी यहाँ पे ऐप सर्च बार न्यू है, साथ साथ रिसेंट के अंदर मेमोरी इन्फो न्यू है जो कि आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, बैकग्राउंड के साथ में मिल जाती थी, ये चेंज हुआ है। वहीं मिसलिनियस के अंदर में सजेशन है, बैकग्राउंड ब्लर और रिस्टार्ट का ऑप्शन, लास्ट के तीन ऑप्शन न्यू मिल जाते। ये ऑप्शन उस टाइम पर देखने को हमें नहीं मिलते थे, 2 महीने पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम पर नहीं थे, तो ये चेंजेस एक तो यहाँ पर मिलेंगे। नोटिफिकेशन सेम है, बैटरी के अंदर बैटरी यूजेस आपका सेम रहेगा, बैटरी सेवर भी सेम है, यहाँ पे ऑप्शन सब सेम है, बस लास्ट में थर्मल प्रोफाइल पहले सिस्टम में हुआ करता था, अब यहाँ पे बैटरी के अंदर मूव कर दिया गया है, तो यहाँ से आप थर्मल प्रोफाइल चेंज कर पाओगे। और अगर बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद यहाँ पे 90% है, लास्ट 2 मंथ पहले 93 था, तो हल्का फुल्का यहाँ पे डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, ज़्यादा लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में फ़ोन रिंगटोन लेआउट कुछ इस तरीके का ही मिलता है, बाकी यहाँ पे मीडिया लेआउट लेटेस्ट रहेगा, वाइब्रेशन हैप्टिक आपका पहले जैसा है। और यहाँ पे अब जो है पर है वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाता, पहले नहीं था, और डायरेक्ट साउंड भी पहले नहीं मिलता था, यहाँ पे अब ये भी मिल जाता है, सेलेक्शन भी काम कर रहा, हाईफाई भी इसके अंदर मिलता है, तो ये आपको न्यू मिल जाएगा यहाँ पे। एनएफएलटी सेम रहेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, बाकी आपका रोम जैसे आता था उसी तरीके से रहेगा। एंड यहाँ पे पैटर्न साइज भी अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था, तो मैं इसके अंदर पिन ऐड कर लेता हूँ, बाकी आपको आगे फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो फिंगरप्रिंट देखोगे तो कुछ इस तरीके के वर्किंग रहने वाला है, और फेस अनलॉक भी यहाँ पे वैसे अच्छे तरीके से काम कर जा रहा है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सेटिंग्स नॉर्मल ही है, स्क्रैम्बल लेआउट वाला भी देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है, बाकी ऐप लॉक अच्छे तरीके से काम करता है। ऐप लॉक के अंदर में यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशन सपोर्टेड आप देख सकते हो, एंड ऑटो लॉक टाइम आउट ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पे मिलती हैं, बाकी फिर नीचे यहाँ पे इनमें किसी में चेंज है नहीं। बाकी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर भी यहाँ पे अपडेटर का इंटरफेस चेंज हो चुका है, पहले अलग हुआ करता था बिल्कुल इस तरीके से, हालांकि अभी भी हाइड नोच इसके अंदर नहीं मिलता, डिस्प्ले डेवलपर ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले कटआउट में अभी भी हाइड नोच हमें नहीं मिलता है। एनिमेशन में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइल जो है इधर उधर मूव हुए, पहले इंटरनेट टाइल यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में हुआ करता था, सेपरेट वाले ऊपर देखने को मिलते थे, अब नीचे देखने को मिलेंगे सेपरेट, तो थोड़ा टाइल में इधर उधर हेरा फेरी हुआ है, मूव हुआ इधर से उधर, बट यहाँ पे न्यू आपका स्क्रीन सेवर है, बाकी रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पे जो है टाइल न्यू है, हाई ब्राइटनेस मोड का मिल जाएगा न्यू। और अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी जो है 100 स्टॉप डॉट मिल जाएगा न्यू, बिगर फाइल साइज लिमिट और स्किप टाइमर, लास्ट के तीनों ऑप्शन न्यू है, उस टाइम पर नहीं मिला करते थे। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अभी भी हमें हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले भी इसी तरीके से था, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आपको कोई एनिमेशन लैग नहीं मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल ही रहने वाला है। वॉल्यूम पैनल भी सेम ही है, यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है पहले की तरह, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। ऐप ओपनिंग भी काफ़ी अच्छा है, ऐप ओपनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इनमें एनिमेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बाकी रिसेंट सेम है, बस मेमोरी इन्फो ऐड हुआ है। और अगर बात करें प्ले स्टोर की, तो बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट पास रहती है, तो बैंकिंग ऐप को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, विदाउट रूट यूज़ कर पाओगे। कैमरा अपर्चर ये आता है प्री इंस्टॉल में, जैसा पहले था वही आपको अभी देखने को मिलेगा, बस अपडेटेड है थोड़ा, बाकी 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर पाओगे। तो GKM यूज कर लेना, अच्छे से काम करता है, डॉल्बी एटमॉस पहले से ही था, काम कर रहा है, एंड गैलरी नॉर्मल आती है, बट गूगल फोटो मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना, उसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेंगी। बाकी सुपीरियर OS का जैसे कि वॉलपेपर ऐप आता है इसके अंदर प्री इंस्टॉल, तो ये भी देखने को मिल ही जाएगा। अब बात करें कॉलिंग के बारे में, तो वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी रहता है, बाकी इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है, बट वही है कि अलर्ट कर देता है, बाकी ब्लूटूथ डिवाइस आपका मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा। एंटूटू स्कोर 692,792 है, पिछले में 695,000 था, यानी कि सिमिलर स्कोर मिल जाता है। वहीं इस बार हमारा जो है नो रिजल्ट देखने को मिला, पर गिफ्ट स्कोर की बात करें तो मैक्स पे 230,000 है, एवरेज स्कोर 224,000 है, पिछला CPU थ्रोलेट की बात करें 2 मंथ पहले तो 90% देखने को मिला था, तो सिमिलर से ही उसी तरीके से मिल रहा है। अगर हम देखें गीगबेंच स्कोर इस बार सिंगल पे 1174 है, मल्टी के अंदर 3405 है, और पिछले में सिंगल 962 था और मल्टी पे 3229। इस बार गीगबेंच 6 पे टेस्ट किया, उस टाइम पे गीगबेंच 5 पे टेस्ट किया था। और यहाँ पे जो इसका गेम स्पेस है, इसका भी इंटरफेस थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, वाइट बैकग्राउंड पूरा मिलने वाला है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी ऑप्शन जो थे वो वही आपको मिलेंगे पहले वाले, उनमें चेंज नहीं हुआ है, बस मोनेट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंज हुआ है, इसका जो है वाइट आप देखने को मिलेगा, पहले ब्लैक टाइप पे हुआ करता था। और यहाँ पे 90 FPS जैसे कि अब शो करने लगा, सेटिंग में भी दे दिया गया, बाकी पूरा ग्राफिक सेम रहेगा, तो 90 FPS का बस यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें अनलॉक मिल जाता है, हाईर FPS जैसे कि गेमिंग के लिए दे दिया गया है, तो आपको बाकी गेम पे भी सपोर्ट है जिन पे रहता है उन पे अनलॉक मिल जाएगा। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी फिलहाल मुझे यहाँ पे अच्छी ही मिल रही है, गेमिंग में कुछ भी यहाँ पे डाउन नहीं हुआ है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर में, परफॉर्मेंस सिमिलर सी है, बैटरी जरूर हल्के अगर हम देखें तो हल्का फुल्का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा डाउन पहले के मुकाबले,
बट यहाँ पे गेमिंग या एनिमेशन में ऐसा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई जो कि पहले नहीं थी, तो ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पे ऐड हुई। डायरेक्ट साउंड जैसे कि ऐड हो चुका, पहले नहीं था, तो ये सब भी यहाँ पे अब देखने को मिलता है। और फिलहाल ऐसा कुछ खास आपको यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस में फिलहाल यानी कि इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है परफॉर्मेंस या एनिमेशन में अगर आप देखोगे, बट बैटरी में हल्का फुल्का फ़र्क है यहाँ पे, वो भी डाउन अगर हम देखें तो उसमें आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो यही था इस अपडेट में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।